प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से भक्त सेन नाई जी की कथा सुनाएंगे। भक्तों, भक्तमाल कल्याण की एक एक कथा सच्ची कथा है। इसको श्री नाभादास जी ने लिखा था और उनको उनके गुरुजी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी कि भक्तों का चरित्र लिखो। और जब वो किसी भी भक्त का चरित्र लिखते थे तो वो भक्त का जीवन चरित्र उनको दिव्य दृष्टि से दिखता था। तो एक एक भक्त की सच्ची कथा है और आज हम भक्त सेन नाई की कथा सुनेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवान से प्रेम करो, विश्वास करो तो भगवान हमारी सदा सहायता करते हैं। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन है सिर्फ विश्वास। 500-600 साल पहले की बात है, जब भक्ति का युग था, जिस समय मीराबाई है, सूरदास है, बहुत से तुलसीदास जी भक्त हुए थे। ऐसे ही बात है कि बघेलगंट का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के राजकाल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के भाग में अट्टालिकाएँ थीं, सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे अच्छे उपवन और मनमोहक सरोवर थे। एक ओर शब्द संस्कृत और शिष्टजनों के घर थे तो दूसरी ओर कुछ झोपड़ियाँ थीं। हरे भरे खेत थे, प्रकृति देवी की सुषमा थी, दैवी सुख और शांति का अकृत्रिम साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके निश्चिंत हो जाते थे। ना तो उन्होंने कभी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ पसारा और ना कभी सेन नाई जी को उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। किसी से कुछ मांगकर काम चलाएं, भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी इनकी निष्प्रयता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को घर लौट आते थे। ये जाति के नाई थे। राजा के बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला, इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती थी। सेन ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूली ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा को के और सत्संग किया। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतों के आतिथ्य और स्वागत सत्कार में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था। काफी धूप चढ़ चुकी थी। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी कृष्ण बिहारी राजमहल में पहुंच गए। भक्त सेन नाई का रूप बनाकर सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थी। प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगे अधरों पर खेल रही थी। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षण नवीनता थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज कितना सुख मिला, उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। आज राजा को ऐसा लग रहा था कि सेन के रूप में कोई सर्वथा दिव्य और स्वर्गीय प्राणी उतर आए। भक्त मंडली चली गई।
थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे, राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए, एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया, नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन ना ही आश्चर्यचकित थे। अब सैनिक बोला, आप कुछ हो तो नहीं गया है, मस्तिष्क आपका ठीक ठिकाने तो है ना। अब सेन नाई ने कहा, भैया ज़्यादा मत बनाने का प्रयत्न करो, वैसे मुझे बहुत देर हो गई है और आप इस तरह से रोक रहे हो, टोक रहे हो, मुझे जाने दीजिए। तब राज सैनिक बोला, आप सचमुच भगवान के बहुत ही सीधे साधे भक्त हैं, इसका पता तो मुझे आज ही पर चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतनी प्रसन्न है कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ बोल ना सका। अब सेन नाई को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा, प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो पल भर में समस्त लोक लोकांतर का संहार कर सकते हैं, जिनके एक संकल्प भास मात्र पर ईश्वर का विश्व का विधान उलट जाता है, उन्होंने कंधे पर छुरी आदि की पेटी लटकाने में भी रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमयता, प्रगाढ़ भक्तवत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानी के अतल सागर में डूबने उतराने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राज महल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से अपने विलंब के लिए क्षमा मांगी। अचानक संतों के मिल जाने की बात कही और कहीं मैं आ नहीं पाया। अब राजा ने सेन नाई को अपने गले से लगा लिया। राजा ने सेन नाई के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपके ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंग पाप तापों का अंत किया है। भक्त सेन तो प्रेम भर थे, शरीर में विलक्षण भाव कंपन था, अंग अंग भगवान के रूप माधुर के रस में संप्लावित थे। बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन हो गया, वे परम भागवत थे और भगवान की महान कृपा पात्र भक्त थे। भक्तों, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं भक्तमाल कल्याण में जिसमें भगवान ने अपने भक्तों के काम किए हैं। ये कथाएं बिल्कुल सच हैं। हम भी प्रेम करें भगवान से तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।